तो मथुरा हिंसा में अब तक 22 प्रदर्शन करने वालों की मौत हो चुकी है। यूपी के डीजीपी जावेद अहमद ने कहा है कि 22 में से 11 की मौत आग में झुलसने से हुई। मरने वालों में महिलाएं भी शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों के हमले में 23 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। कुछ पुलिस वालों को उपद्रवियों ने मरा समझकर छोड़ दिया था। कल की हिंसा में एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और एसओ भी शहीद हो गए। कुल मिलाकर 22 उपद्रवी जान गंवा चुके हैं, जिनमें से 11 आग में झुलसकर मरे हैं। वो आग जो उन्होंने खुद लगाई थी उसमें झुलसकर मरे हैं, और बाकी जो हैं लाठी डंडे की या अन्य प्रकार की चोट से मरे हैं, उनमें से एक महिला है, बाकी पुरुष है। और हिंसा के बाद पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए वहां उपद्रवियों ने झोपड़ियों में आग भी लगा दी, जिससे कई धमाके हुए। उपद्रवियों द्वारा भागते समय आग लगा दी गई, जिससे उन झोपड़ियों में विस्फोट हुए, जिसकी आवाज दूर दूर तक मथुरा वालों ने सुनी। शाम तक पूरे इलाके को खाली करा लिया गया, और अब जो है जवाहर बाग पूरी तरह से साफ हो गया है। सारे उपद्रवी वहां से हटाए जा चुके हैं। यूपी के डीजीपी ने बताया कि पूरे बगीचे में पेड़ के पीछे लोग छिपे थे और पत्थरों लाठियों से पुलिस पर हमला कर रहे थे, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हुए। जो पेड़ों के नीचे लोग खड़े हुए थे उनके द्वारा ईंटा पत्थर और बाद में लाठियों से प्रहार किया गया पुलिसकर्मियों के ऊपर, और ये जो पहला प्रहार हुआ असलहों से, लाठी डंडे से और ईंटा पत्थर से, उसी में हमारे दो बहादुर अधिकारी जख्मी हुए और बाद में उस चोट की वजह से शहीद हुए। राम वृक्ष की शिकायत करने वाले जवाहर बाग के उद्यान अधिकारी मुकेश कुमार ने जी न्यूज़ को सारी जानकारी दी। देखिए ब्रह्म प्रकाश दुबे की रिपोर्ट। मथुरा के जिस जवाहर बाग में राम वृक्ष यादव और उसके तमाम समर्थक कई साल से कब्जा किए थे, हमारे साथ उसी उद्यान के अधिकारी हैं मुकेश कुमार जी। आप जवाहर बाग उद्यान के अधिकारी हैं जी। तो इन लोगों ने कब इस बाग में प्रवेश किया था? देखिए ये 15 मार्च 2014 को आए थे, इनका करीब 4-5 हज़ार की संख्या में आए थे, और इनका कहना था कि हम अपना दिल्ली के लिए हमारा कूच है मध्य प्रदेश, और हमारा 2 दिन का पड़ाव है, हम 2 दिन पड़ाव के बाद यहाँ से चले जाएंगे। आप भी तब इस जगह पर मौजूद थे? हाँ, मैं उस समय मौजूद था जब ये। तो परमिशन किसने दी थी इनको यहाँ पर? परमिशन उन्होंने बताया कि हमें जिला प्रशासन से परमिशन मिली है, तो मैंने कहा उनकी प्रति नहीं दिखा पाए थे, तो इसकी रिपोर्ट मैंने फिर प्रशासन को की थी कि इस तरीके से ये अब इन्होंने आकर के यहाँ डेरा डाल लिया है। यानी जबरन घुस गए थे उस टाइम? जबरन घुस गए थे, और 3-4 हज़ार की संख्या में थे, और करीब 50 से 100 गाड़ियों के साथ इनका काफिला था। उस टाइम कोई प्रशासन ने एक्शन लिया? नहीं, उस समय कोई एक्शन नहीं था। इनका ये था कि हमारा केवल दो तीन दिन का है अपना पड़ाव, हम चले जाएंगे, तो इसी आशा में कि लोग चले जाएंगे, तो कोई एक्शन उस समय नहीं। मुकेश जी, जिस उद्यान के आप हेड हैं, इसमें क्या क्या है? देखिए इसमें पूरा जो 106 एकड़ का ये एरिया है, इसमें हमारे एकड़ और 180 एकड़ नहीं 106 एकड़ का है, और इसमें अमरूद के बगीचे हैं, आम के हैं, बेर के हैं, बेल के हैं, मतलब पूरा फलों के वृक्षों से आच्छादित है, ये पूरा हरा भरा एरिया था। अच्छा, पूरा सारे में फलदार वृक्ष लगे हुए हैं? जी सर, जी सर। सब्जियां सस्ते दरों पे बेचते थे, ये कैसे संभव हो सकता? ये तो सब पब्लिक बता रही है, मार्केट से सब्जी ला करके सस्ते दाम में बेचते थे, ये तो पब्लिक। और आपकी लगभग कितनी में जो आपकी बोली लगती थी फलों की, लगभग कितनी आमदनी सालाना की? करीब 6 से 7 लाख रुपए, और वही आमदनी इनकी 2 साल से हो गई। जी सर, जी। और उसके बाद कहीं कभी आपने फिर से लिखा प्रशासन को 2 साल? बिल्कुल, मैं बराबर लिखता रहा, सूचना देता रहा, जो भी गतिविधियां इनकी होती रही मैं समय समय पर सूचना देता रहा अपने जिला कलेक्टर को। जी, जिला कलेक्टर को, अपने उच्च अधिकारियों को, सबको अवगत कराता। आप लोगों ने खुद से कभी एक्शन लेने की कि इससे इसको खाली करो आप लोगों ने कहा है? हम लोग इतने कहाँ थे कि उनके डंडे और उनका सामना कर पाते, वो उग्रवादी थे, नक्सलाइट थे, एक तरह की उनकी मानसिकता थी, पागलपन थे बिल्कुल, गुंडागर्दी करते थे, बिल्कुल गुंडागर्दी। हम बताएंगे कि लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है यहाँ पर। बिल्कुल, तो जैसे मुकेश कुमार जी बता रहे हैं, उद्यान अधिकारी हैं कि जबरन कब्जा किया, इसके बाद भी प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। उद्यान अधिकारी ने लिखा एडमिनिस्ट्रेशन को कि जबरन कब्जा हुआ है, कार्रवाई कीजिए, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद जो 7
तकरीबन 6 से 7 लाख की सालाना आमदनी जो फलों से होती थी वो आमदनी भी वही लोग लेते थे बीते 2 साल से। करुण धीरेन्द्र साहू के साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया।